गौतम बुद्ध कहते हैं, मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। बीते हुए कल का पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ वर्तमान में जियो। लेकिन हम सच में कितना वर्तमान में जीते हैं? हम वर्तमान में रह ही नहीं पाते। अगर हम वर्तमान में जी पाए तो हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ हो जाएंगे और हम भविष्य की चिंता में परेशान नहीं होंगे और ना ही अपने अतीत के दुखों को लेकर रोना रोएंगे, बल्कि वर्तमान में चल रही सांसें भी हमें आनंद देंगी। एक बार एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? जवान लड़के ने कहा, बुद्ध, मेरे जीवन में इतने सारे दुख क्यों हैं? मैं हमेशा दुखी ही क्यों रहता हूँ? बुद्ध ने कहा, कहाँ है तुम्हारा दुख? मुझे तो नहीं दिख रहा। लड़के ने कहा, दुख तो मेरे अंदर है बुद्ध, मेरे अंदर। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि दुख तुम्हारे ही अंदर है? लड़के ने कहा, मेरे जीवन में कोई आनंद ही नहीं है, मुझे मेरे जीवन का कोई सार ही नजर नहीं आता, मैं हमेशा उदास रहता हूँ और कुछ करने का मन भी नहीं करता। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? लड़के ने कहा, कारण ही तो जानने आया हूँ बुद्ध, अगर मुझे मेरे दुख का कारण पता होता तो मैं आपके पास आता ही क्यों? बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूँ? यह सुन वह जवान लड़का थोड़ा चौंकते हुए बोला, लेकिन बुद्ध, लोग तो कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं। बुद्ध ने कहा, बस यही मानसिकता ही तुम्हारे दुख का कारण है कि तुम किसी और के भरोसे बैठे हो। तुम्हें लगता है कि कोई आएगा और तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। जब हम किसी और के भरोसे बैठे रहते हैं तब हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। अगर उसने कुछ कर दिया तब तो हम खुश हो जाएंगे और अगर नहीं किया तो दुखी हो जाते हैं। इसलिए अगर उम्मीद दूसरों से बांधोगे तो अंत में दुखी हाथ लगेगा, लेकिन अगर उम्मीद खुद से लगाओगे तो हमेशा खुश रहोगे। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि मैं बुद्ध हूँ तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा? नहीं, एकदम गलत सोच रहे हो तुम। मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूँ, बस मैंने इस जीवन को जान लिया है जिससे मेरे अंदर के सारे प्रश्न, सारी उलझनें समाप्त हो चुकी हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर भी कोई प्रश्न, कोई उलझन नहीं रह जाएगी, उस दिन तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाकर ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं दुखी क्यों हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने फूल को देखा है? लड़का कहता है, बुद्ध, फूल किसने नहीं देखा, फूल तो हर किसी ने देखा है। बुद्ध कहते हैं, एक फूल रात्रि में कली होता है, सुबह होने पर वो खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है, वह गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। अगर एक फूल पहले ही ये सोच ले कि शाम होते होते मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो वह कभी खिल ही ना सकेगा, वह अपनी सुगंध फैला ही ना सकेगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुम केवल अपनी समस्याओं को ही देखते हो और हर समय ये सोचते रहते हो कि मेरे जीवन में कितनी परेशानियां हैं, कितना दुख है, तो तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। तुम कभी भी सुख को महसूस कर ही नहीं सकते, जबकि तुम्हारी जिंदगी में सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जिनके लिए तुम अभी इसी पल खिलखिलाकर हंस सकते हो, लेकिन तुम उन चीजों को देख ही नहीं पा रहे हो, और ये है तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण। अगर तुम अपने जीवन की उन चीजों, उन परिस्थितियों को देख पाए जिनके लिए तुम खुश हो सकते हो, तो जीवन को देखने का तुम्हारा नजरिया ही बदल जाएगा और फिर तुम जीवन को जान पाओगे और अपने जीवन में खुशी को महसूस कर पाओगे। अभी तुम्हारे जीवन में चाहे जितने भी दुख हों, अगर तुम चाहो तो वहाँ से बाहर आ सकते हो और चाहो तो उसमें और अंदर जा सकते हो। सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है, कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। जो भी करना है तुम्हें खुद ही करना है। मैं केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, उस पर चलना या ना चलना पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर है। लड़के ने कहा, बुद्ध, लेकिन कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिस पर चलकर कोई भी इंसान हमेशा के लिए इन दुखों के चक्र से बाहर आ सकता है। बुद्ध ने कहा, इंसान सबसे ज़्यादा दुखी होता है अपने खुद के विचारों से। जब इंसान अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पछताता रहता है और अपने आने वाले कल की चिंता करता रहता है, तब वह दुखों से घिर जाता है। हमेशा के लिए चिंता से बाहर आने का एकमात्र तरीका है पूरी ईमानदारी के साथ वर्तमान में जीना। जिस इंसान ने वर्तमान में जीना सीख लिया, उसे कोई चिंता, कोई दुख छू भी नहीं सकता।